मैंने तुम लोगों को यही सिखाया, ऐसे क्रिकेट खेलोगे तुम? माना कि मैंने तुम्हें सिखाया, यार इसमें चीटिंग चलती है, लेकिन तुमने तो बॉल के साथ वो बॉल भी बेचारा सदमे में होगा। कमीनों कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रख देते। मैं तुम्हारा कोच हूँ कोच, कुछ तो सोच। सबको लगेगा कि असली कांडल इंसान मैं हूँ, असली मास्टरमाइंड मैं हूँ, ऐसे लगेगा सबको। नहीं, असली मास्टरमाइंड तो ये है डेविड, इन सब का जिम्मेदार ये है। यार डेविड भाई, कम से कम टी शर्ट पे लिखे हुए नाम का तो इज्जत कर देता। गुरुजी मैं आपका होनहार बच्चा हूँ, आप मुझ पे ऐसे आरोप नहीं कर सकते। मैं डेविड वार्नर हूँ, कोई आंडू पांडू नहीं हूँ। तो किसने ये बॉल के साथ छेड़खानी का प्लान बनाया? इसने बनाया, ट्यूटी स्मिथ ने। चुप क्यों है बकना कुछ, साफ सुन गया क्या? नहीं गुरुजी, मैं तो सिर्फ प्यादा हूँ प्यादा। असली टेढ़ी चाल तो इस डेविड धवन, डेविड वार्नर ने रची है। ऐसा क्या तू प्यादा नहीं है, पादा है ग्राउंड पर। रुको, पादा से याद आया, आधा पादा किसने पादा, रामा जी के घोड़े ने पादा, डेविड वार्नर, तो तू है असली पापड़ चोर। मैं अकेला नहीं, ये दोनों भी उतने खूंखार आरोपी है। ऐसा क्या, तू तो दरिंदा है दरिंदा, और तू पापड़ छाप परिंदा। तुम लोग तो साल भर के लिए बैन हो गए, मैं तो सिर्फ 9 महीने के लिए बैन हो गया रे। तो तू आराम से बीवी के साथ फैक्स करके 9 महीने बाद प्लेयर पैदा कर लेगा, हमारा क्या होगा बे। तुम लोग तो IPL से भी निकाले गए रे, तो तू भी तो IPL से बाहर हो गया, बाहर जाके वड़ा पाव खाएंगा। कमीनो सबने मिलके मेरी खोल के मार दी। क्या सपने सजा के रखे तेरे IPL के, इस बार अपनी टीम को जिताना था यार। वहाँ भी चीटिंग करी होती। ए तेरे जैसा नहीं हूँ मैं IPL की इज्जत करता हूँ, लेकिन तेरी इज्जत डूब गई ना वैंचू। तेरी इज्जत कौन सी ऐसी पानी में तैर रही है, बोल रहा है यहाँ पे। अब एक साल घर में बैठकर क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे। डेविड का वार्नर निकाल के डेविड धवन करेंगे धवन करेंगे। एक काम करना बैनक्रॉफ्ट, तू दुकान से प्लास्टिक का बॉल खरीद के लाना, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा, और फिर अपन लोग उससे क्रिकेट खेलेंगे। वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूँ। तुम लोग गली क्रिकेट में बहुत चीटिंग करते हो भाई, मुझे पता है जालो, तुम लोग वहाँ पे भी बॉल के साथ छेड़खानी करोगे, और उसका भी मास्टरमाइंड तू ही होगा ना। तुम लोग चूल्हे में जाओ, मैं तो बस बॉलिंग की प्रैक्टिस करूंगा। अब मुझे इज्जत की जिंदगी जीनी है। जो हुआ सो हुआ बच्चा लोग, टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर इंसान से गलती होती है, और आप इंसान नहीं हो, आप प्लेयर हो प्लेयर, और प्लेयर से तो बहुत गलती होती है। 1 साल यूं ही गुजर जाएगा, तब तक टीवी में बैठकर IPL देखना, टाइम पास हो जाएगा। तुमने तो एक बात अच्छी भी कर ली, तुमने चीटिंग करके एक बात साबित कर दी कि चीटिंग कभी काम नहीं आती, चीटिंग से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ, ये तुमने साबित कर दिया। इस चीज के लिए कोई तुम्हें अवार्ड देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। चलो समोसा खाने जाएंगे। अरे वाह गुरुजी, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। ओए कसम मेरे 2.5 किलो के बैट की, आज तक हमने कभी चीटिंग नहीं की। हारना पसंद किया मुन्ना लोग, पर अपने खेल से और अपने देश से कभी खिलवाड़ नहीं किया। अगर आपको भी इस बात पर गर्व है तो ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना भाई लोग।